क्या आपको पता है कि पहली इंडिया चाइना वॉर कब हुई थी? 1962 में। रॉन्ग। वी हैव सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री ऑन दैट। दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड बफर जोन्स, यानी एकदम साफ और क्लियर, इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द फॉर्म ऑफ हिमालयस। हिमालय के रूप में इंडिया और चाइना के बीच में एकदम क्लियरली डिफाइंड एक लाइन है या डिवीजन है। जब से भी हम सिविलाइजेशन को जानते हैं, तब से ही ये जोन ऐसे ही अनऑल्टर्ड रहे हैं। एक तरफ इंडिया, एक तरफ चाइना, और बीच में दोनों को डिवाइड करता हुआ हिमालय। 5000 से ज्यादा सालों से हिमालय के दोनों साइड ही ग्रेट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेंटेनिंग कल्चरल लिंक्स, स्पेशली सिंस लास्ट 2000 ईयर्स, यानी 2000 सालों से तो खास करके डॉक्यूमेंटेड कल्चरल टाइज रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच। और इन 2000 सालों में इन दोनों सिविलाइजेशंस ने शायद ही कभी एक दूसरे पे मिलिट्री कैंपेन्स किए हों। इसके बावजूद ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना, कि आज की कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड चाइना रिलेशंस कैरेक्टराइज हैं बॉर्डर डिस्प्यूट से, और तीन मेजर वॉर्स भी हुई हैं दोनों देशों के बीच। द सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, द बॉर्डर क्लैशेस इन नाथुला एंड चोला इन 1967 एंड 1987 में सुमडुरोंग चू स्टैंड ऑफ। इसके अलावा छुटपुट स्कर्मिशेस जैसे कि गैलवन वैली इंसिडेंट एक्सेट्रा लगातार होती ही रहती हैं। इसका रूट कॉज है एक इल डिफाइंड 3,340 किलोमीटर्स यानी 2100 माइल के लगभग का लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर, और इस बॉर्डर के साथ की नदियां, लेक्स एंड स्नो कैप्स, यानी बॉर्डर कैन शिफ्ट। नतीजा दोनों तरफ के सोल्जर्स फेस टू फेस आते हैं एट मेनी मेनी पॉइंट्स, स्पार्किंग कॉन्फ्रंटेशंस। इसके अलावा दोनों ही देश लिटरली कंपीट करते रहते हैं अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसी डिस्प्यूटेड बॉर्डर के साथ बनाने को, जिसे लाइन LOC और लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। जून 2020 में गालवान वैली में एक मुठभेड़ हुई जो लाठी और डंडों से लड़ी गई, ना कि बंदूकों से। 1975 के बाद ये पहला मेजर कॉन्फ्लिक्ट था। मिलिट्री लेवल बातचीत के बावजूद भी कॉन्स्टेंट दोनों कंट्रीज में और बॉर्डर पे तनाव जारी ही रहता है। चलिए देखते हैं कि क्या हिस्ट्री है हमारी और चाइना की, और जो आज सिचुएशन है वो कब और कैसे क्यों खड़ी हो गई। साल है 84-85 AD, जब इंडिया के कुशान एम्पायर एंड चाइना के हैन एम्पायर ने मिलके सक्सेसफुली कुछ नोमैडिक ट्राइब्स को हराया था। इस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के फलस्वरूप कुशान डायनेस्टी ने हान डायनेस्टी के किंगडम की राजकुमारी का हाथ शादी के लिए मांगा, जो कि वहां के जनरल चाओ ने मना कर दिया। रिजल्ट, कुशांस की ईगो तो हर्ट हो गई। कुशांस ने 70,000 की सेना के साथ हान किंगडम पे अटैक किया 1986 AD में, बट हार गए। ये था फर्स्ट एवर इंडिया एंड चाइना कॉन्फ्रंटेशन। हाउएवर, इसके अगले 20-25 सालों में इंडिया चाइना के बीच का मोस्ट रेलेवेंट एक्सचेंज होगा, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म। सिग्निफिकेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना कल्चरल एक्सचेंज। बुद्धिज्म का चाइना पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और भारत और चीन के बीच के कल्चरल रिलेशंस भी अगली कुछ सेंचुरीज में बहुत बढ़ जाते हैं और अपने पीक पर तब पहुंचते हैं जब एक चाइनीज मॉन्क, चीनी भिक्षु हुआन सांग, जिन्होंने 15 साल तक भारत में बहुत बड़े पैमाने पर यात्रा करते हैं। इन 637 हुआन सांग ने ट्रैवल किया ईस्टर्न पंजाब के रीजन में, जलंधर, कुल्लू वैली, मथुरा, कन्नौज और किंग हर्षवर्धन के कोर्ट पहुंचते हैं। इन 636 हुआन सांग वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर्षवर्धन की पेट्रोनेज से टू बोथ स्कॉलरशिप एंड बुद्धिज्म। वो उनके कोर्ट में काफी समय बिताते हैं। फिर वो पहुंचते हैं वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र जिसको आज हम पटना कहते हैं, और बोधगया। इसके बाद वो नालंदा जाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ बिहार, जहां वो अगले 2 साल उसी यूनिवर्सिटी में बिताते हैं। 645 AD में
वो वापस चाइना लौट जाते हैं। उनकी चाइना वापसी पर उनका जबरदस्त हीरोज वेलकम होता है। रूलिंग टैंग डायनेस्टी के राजा उन्हें बड़ी से बड़ी पोजीशंस ऑफर करते हैं अपने कोर्ट में, बट वो अपना बाकी सारा जीवन एक रिमोट मॉनेस्ट्री में रह के बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लोकल चाइनीज में ट्रांसलेशन में बिताते हैं। बट जब ह्वेनसांग वापस जाते हैं तो वो अपने साथ जो वेल्थ ऑफ कल्चर एंड बुद्धिज्म लेके जाते हैं उसका बड़ा ही बहुत डीप इम्पैक्ट होता है करंट जो राजा हैं उनकी उन पर और सारी जनता पे। ह्वेनसांग के अकाउंट्स वो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस आज तक की इरा में उसी को रेफर करते हैं जानने के लिए उस समय का इंडियन जीवन, इवन चाइनीज जीवन। इतने वो आज तक की डेट में इतने इंपॉर्टेंट है उनके जो टेक्स्ट। आयरोनिकली दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में सबसे मेजर और सबसे बड़े कल्चरल एक्सचेंज में ही दूसरे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की जड़ पनपती। ह्वेनसांग की वापसी के 5 साल बाद टैन डायनेस्टी के राजा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन वापस हर्षवर्धन के कोर्ट में भेजते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ वैंग स्वैंग। पर इधर हर्षवर्धन की डेथ हो चुकी है और सारे नॉर्दर्न स्टेट्स अस्त व्यस्त हालत में हैं। इसके अलावा एक इंडिया में बहुत मेजर चेंज जो आ जाता है इन 5 सालों में कि ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी होती है जनता और करंट कई राजाओं के बीच में उन्हें इतना प्रोटेक्शन मिल रहा था बुद्धिज्म को कि ब्राह्मण बड़े इससे अलार्म्ड हो जाते हैं। ऐसे में ये जो चाइनीज डेलीगेशन की टाइमिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग हो जाती है। उनका बहुत हॉस्टाइल वेलकम होता है इंडिया में। उनके मिशन के लगभग 10 सदस्यों को मार दिया जाता है, सभी उनका कीमती सामान लूट लिया जाता है और जो लीडर होते हैं वो खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के टिबेट भागते हैं। टिबेटियन फोर्सेस और नेपाली मर्सनरीज को हायर करके वो वापस हर्षवर्धन के सक्सेसर पर अटैक करते हैं और उन्हें कैप्चर करके चाइना ले जाते हैं। पर ये किसी भी रूप में टैंग डायनेस्टी का डायरेक्ट इंडिया पे मिलिट्री अटैक नहीं था। ये पहला युद्ध है जिसको कोर्ट माउत्सेचोंग ने बाद के चाइनीज अटैक्स के रेफरेंस में भी, जो आज इंडिया इंडियन टेरिटरीज पे चाइना क्लेम करती है उसके लिए माउत्सेचोंग इसको बार बार इसी वॉर का रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इन दोनों पड़ोसियों की लड़ाई का। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब होने का है टिबेट। चाइना में कम्युनिज्म आने के बाद 19th century में चाइना ने टिबेट पे अपना क्लेम किया और उसके लिए वहां दलाई लामा को भागना पड़ा इंडिया अपनी जान बचा के, जो कि इंडिया ने उनको होस्ट किया। और आज भी टिबेटन कॉज को इंडिया काफी प्रोटेक्ट करता है, प्रायोरिटी रखता है। इसके चलते इंडिया और चाइना के संबंध काफी खराब हो गए हैं और एज ऑन डेट भी इंडिया चाइना रिलेशंस में टिबेट पे इंडिया का स्टैंड का बहुत बड़ा रोल है। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली डिसीजन मेकर्स हमेशा पिछले एक्सपीरियंस या हिस्ट्री पर विचार करते हैं और फैक्ट यह है कि इतने गहरे और कल्चरल टाइज के साथ हजारों सालों से इन सिविलाइजेशंस के बीच कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इस करेक्ट पर्सपेक्टिव को ऑथर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स को हमेशा सोचना होगा ताकि आने वाली जनरेशंस वही सिनो इंडिया रिलेशंस देख पाएं जो कि 1962 के पहले जनरेशंस ने सैकड़ों सालों तक देखे हैं।